नमस्कार दोस्तों, आखिर युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप क्यों दिया? 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ था, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप दे दिया था। तो चलिए जानते हैं कि युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप क्यों दिया था और कौन सा श्राप दिया था और इस श्राप की वजह से नारी जाति पर क्या प्रभाव पड़ा था। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। इसके तमाम पहलुओं की, घटनाओं की छोटी छोटी कई कहानियां हैं। पांडवों और कौरवों के बीच में धर्म और अधर्म को लेकर चले इस युद्ध का परिणाम काफी भयंकर हुआ था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। 18 दिनों तक चलने वाले इस महाभारत युद्ध में हर दिन कुछ ना कुछ नया घटित हुआ था, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा और संदेश की तरह है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती को श्राप दे दिया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा जी के तट पर रह रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उनको संतावना देने के लिए कई महान ऋषि और साधु संतों का आना जाना लगा हुआ था। इसी बीच नारद मुनि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर के मन की स्थिति के बारे में पूछा। महर्षि नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देखकर मैं जीत को भी हार ही मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा बड़ा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी माँ कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वो मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ना तो अर्जुन और ना ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़े भाई हैं। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण ने और मेरी माँ ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वो हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने का वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों ही होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तभी उनकी माँ कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उनके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्य देव ने भी उससे बात की थी। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। माँ कुंती की संतावना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ही बड़े भाई का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माँ कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब
चाह कर भी कोई बात अपने हृदय में छिपा कर नहीं रख पाएंगी। और दोस्तों, इस तरह से युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद अपनी माँ कुंती के साथ साथ समस्त नारी जाति को यह श्राप दे दिया कि चाहे कितनी भी सहनशील स्त्री हो, लेकिन वह कोई भी बात अपने अंदर छिपा कर नहीं रख पाएगी। तो दोस्तों, यह थी युधिष्ठिर की अपनी माँ कुंती और समस्त नारी जाति को श्राप देने की कथा। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।